नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। मेहनत करने के बाद भी फल न मिलने के कारण उपाय बताने वाले, देवताओं को खुश करने का सही तरीका बताने वाले वक्त के महापुरुष संत सदगुरु दुखहर्था त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा मकान जी महाराज ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रति महाकृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाए जाने वाले मासिक भंडारा पर्व के शुभ अवसर पर 26 जुलाई प्रातःकालीन बेला में बावल आश्रम रेवाड़ी हरियाणा में दिए अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यू कैंप पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इससे आज तक कोई बच पाया ही नहीं। इसलिए इस शरीर को आप पूरे कर्मों से बचाओ, साफ सुथरा रखो, इसके अंदर गंदगी मांस शराब आदि नहीं। जानवरों को मारने काटने सड़ने की बदबू से हवा जहरीली हो रही है, इसे पवन देवता नाराज हो रहे हैं। आगे मनुष्य का धरती पर जी पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सभी लोग शाकाहारी बनो। पृथ्वी पर जानवरों को काटोगे और उनका अनुसंधो की मांस सड़ेगा, हड्डी से उनके बदबू आएगी, तो आप समझो वो बदबू कहाँ फैलेगी। आपको जानवर कोई मरा हुआ हो और उसकी बदबू महसूस होती हो, कैसे महसूस होती है? वो हवा जो आती है, हवा का झोंका जो चलता रहता है, उससे बदबू आती है नाक में। तो यह हवा जहरीली होती चली जा रही है। पवन देवता आप ये समझो खुश नहीं हो रहे हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।